सेवेंथ क्लास का पहला पार्ट, पहला पार्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगी फर्स्ट लेसन का, पेज नंबर 8 है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग टारगेट में पढ़ना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखना। शुद्ध रूप बोले तो उसको करेक्ट वर्ड क्या है, पक्षी। पुनरुक्त में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बोले तो क्या, पीछे के वर्ड, पीछे के जो वर्ड है वो अलग करना। इत, पुलकित पंख टूट जाएंगे कौन सा काल है, भूतकाल। युग्म शब्द का उदाहरण भूखे प्यासे। युग्म बोले तो अपोजिट रहना और जोड़ी रहना, ये जोड़ी है, अपोजिट वर्ड है भूखे प्यासे। स्वदेश में उपसर्ग बोले तो सामने का अक्षर अलग करना, ठीक है। उप, सॉरी, स्व, सूर्योदय की संधि विच्छेद होगा, सूर्योदय को क्या करना, अपन संधि विच्छेद अलग करना, सूर्य प्लस उदय। पंछी का, पंछी शब्द का बहुवचन क्या होगा, पंछियाँ। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोले तो मेल फीमेल में लिखना। कवि बोले तो मेल है, कवित्री बोले तो फीमेल है। तरु की फुनगी पर के झूले रेखा के शब्द के भिन्नार्थ, मतलब पर को और हम क्या क्या बोलते, लेकिन बोलते पंख बोलते। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है, स्वतंत्र बोले तो इंडिपेंडेंस, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होता, परतंत्र। तो इस प्रकार आप लोग पेज नंबर 8 का ये ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ये FA1 पोर्शन है। धन्यवाद।